Good, good. How's your name? Much better. Put this. What are you doing? So, can you imagine? I'm going to go. हो रही है उनके साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं स्कूल के प्रशासकीय अधिकारी अशोक जी मिश्रा, स्कूलों में हर सुबह कसरत करते हो उसी से थोड़ा अलग होकर आज यहाँ पर हमारे पास जो हमारे प्रमुख गेस्ट आए हुए हैं जैकी बगनानी जी जो सिने अभिनेता है, उसके साथ साथ शरीर की सुदृढ़ता होनी जरूरी है, उसके लिए वो हर जगह पर इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। और इस संकल्पना को लेकर हमारे युवा सेना के सचिव युवा सेना के नेता आदरणीय अजीत जी ठाकरे युवा सेना प्रमुख जिनके संकल्पना से ये कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है, आदित्य साहब ठाकरे जी इनका भी स्वागत यहाँ पर अपने लाडले आमदार विभाग प्रमुख उपविभाग प्रमुख सुहास वाड़कर विष्णु सावंत आप भी मंच पर आइए। अमोल जी पिंतीकर युवा सेना सचिव कसे आहात सगळे, गुड मॉर्निंग। सगळे किती वाजता शाळेत आले तुम्ही? 7:30। लेट कोण आले आज? मागून हात वरती येतात बघा। मुलीमध्ये कोण लेट नाही आहेत ना? सगळे अभ्यास करतात, नीट करतात। कितने बच्चे लेट आते हैं लड़कों में से? अच्छा, आप सब कसरत करते हो? क्या करते हो कसरत में? पीटी, योगा? आप क्या करने वाले हो? सेल्फी की कसरत? सेल्फी सब बाद में लेंगे, बट आज हमारे साथ जैकी बगनानी आए हैं। जैकी तो आपको पता है, सब एक्टर है, बड़े एक्टर है, स्क्रीन पे देखते हैं हम, लेकिन अभी सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, आप सब स्कूल है बीएमसी के उसमें आप देखोगे जल्दी जैकी को, हर एक स्कूल में जाने वाले हैं। कारण आप रोज जिम पीटी कर दो कि वहाँ व्यायाम कर दो ना, हाथ वर्ती करा, गोल फिरा, डायमंड करा वगैरह, ते आता रोज रोज से झालं, कधी कधी आपल्याला कंटाळा येतो, बरोबर ना? जैकी काहीतरी नवीन करणार आहे। जैकी क्या करने वाले हो आप? कैसे हो आप लोग? तो आदित्य जी ने बोला कि लड़कियां टाइम पे आती हैं, लड़के टाइम पे नहीं आते। आई थिंक ये बचपन से प्रॉब्लम है हमारा, नहीं, लड़कियां हमसे बहुत आगे चल रही हैं अभी। गाइस, वी हैव टू डू समथिंग। आप टाइम पे आते हैं तो आप इधर आके बैठ जाइए। इधर आओ,
कितने टाइम पे आते हो, कितने बजे आते हो? 7 o'clock को? अरे बट लड़कियां तो 7:30 को आती है, तो आप पहले आके क्या करते हो स्कूल में? स्कूल कितने बजे शुरू होती है? 7:30, तो पहले आधे घंटे आके क्या करते हो? इनके लिए वेट कर। क्रिकेट वगैरह खेलते हो? नहीं। फिर फुटबॉल? अरे वाह, मैं भी फुटबॉल का चेयरमैन हूँ, अब तो मैं फुटबॉल ला के दूंगा सबको स्कूल में। अच्छा, तो अभी हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि अभी इंतजार की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कसरत प्रोग्राम है वो हर एक बीएमसी के स्कूल में जाकी ला रहे हैं। हमारा जो पीटी क्लास होता है, जो रेगुलर पीटी क्लास होता है, आगे चलो पीछे चलो हाथ ऊपर करो, उसको थोड़ा एडिट करके, थोड़ा मॉडिफाई करके जाके कुछ अलग सिखाने वाले हैं अपने फिटनेस के लिए। आप सब तैयार हो? सब सीखने के लिए तैयार है? और रोज करेंगे? ठीक है, बोगिया जाकी का शिकोदर पाप लेला जाकी। चलो मैं बच्चों को ऊपर बुलाता हूँ, आप शुरू कीजिए। मैं दूर बैठने वाला हूँ, आपकी कसरत थोड़ी टफ है। लेकिन मैं एक्चुअली उससे पहले कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ना पीटी क्लास बहुत बोरिंग लगता था। ये 1, 2, 3, 4 में इतना बोर हो जाता था, तो मैं घर जाके सिर्फ खाता था और वीडियो गेम खेलता था। वीडियो गेम खेलना अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन मुझे लगा कि जो पीटी क्लास है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाए, थोड़ा सा और मजा आए, तो हमें करने में भी मजा आएगा। नहीं, क्या बोलते हो आप लोग? और आदित्य जी मेरे मित्र हैं, तो वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं बीएमसी के लिए और स्पेशली बच्चों के लिए, तो आई थिंक एक ताली उनके लिए बजानी चाहिए हमको। बिकॉज मेरा मन तो बहुत था आप लोग के लिए कुछ करूं, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिल रहा था, और आदित्य जी ने मुझे वो मौका दिया। सो थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स हैव सम फन। शुड वी सी द वीडियो फर्स्ट? Do we have the video here? पहले छोटा सा वीडियो देख लो आप लोग, फिर हम कुछ। सेहत नहीं तो कुछ भी, सिक्स पैक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्टैमिना। हर रोज मेरे यानी कसरत के साथ प्रैक्टिस करो और अपनी सोच और अपने लाइफ को ओके। सो एक वर्कआउट करने से पहले ये हमारे लिए कुछ गाना चाहते हैं, सो इट्स अ वेरी गुड सिंगर से पूछे। सुनो ना संग मरमर कुछ भी नहीं, मतलब अरिजीत को भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतना अच्छा गाता है। वेरी गुड, अब थोड़ा कसरत करें, तुम आ जाओ स्टेज पे। कभी की कसरत तो कर ली ना तुमने। शुड वी हैव द हुला हूप फॉर द किड्स? सो इसे क्या कहते हैं मालूम है आप लोग को? इसे कहते हैं हुला हूप, और आप उड़न खटोला भी बोल सकते हैं। कैन वी हैव द किड्स वी हैव सिलेक्टेड? आ जाओ पकड़ लो। अब ये गले को ऐसे ऐसे कर रहा था ना, अब कमर को कराएंगे। प्लीज सभी बच्चे बैठ करके शांति के साथ एकदम देखें।